This is my beautiful cake ordered by myself for myself. वैसे मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर से मैं खुद ही बना रही हूँ अपने बर्थडे, और ये केक बनाया है तुम्ही दी ने। सबसे पहले केक काटने पहले सभी को नो मैटर आप मुझे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, आप सबको आज के दिन में, हर साल मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन में कुछ रेजोल्यूशन लूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि खुद से ज़्यादा दूसरा कोई और आपको नहीं जानता है, आपका वीकनेस, आपकी अच्छाई, ना कुछ भी चीज़। तो हर साल मेरे बर्थडे के दिन में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेती हूँ, लास्ट ईयर भी लिया और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये साल का जन्मदिन में मैं कुछ रेजोल्यूशन तो नहीं लूँगी, लेकिन जिनको भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी और थैंक यू भी कहना चाहूँगी, साथ ही सभी को, अगर मैंने जाने अनजाने में किसी को भी दुख पहुँचाया या फिर ठेस पहुँचाई इमोशनली या फिर फिज़िकली तो नहीं कभी, तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। इंसान से ही गलती होता है, एंड आई विल सी दैट कि मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं गलतियाँ ना करूँ ज़्यादा। होगा, आई नो कि इंसान है, गलती तो होगा, लेकिन आई विल ट्राई दैट कि मैं किसी को चोट ना पहुँचाऊँ। और थैंक यू उन सबको कहना चाहूँगी जिन्होंने, नो मैटर मैं कोई भी दौर से गुजरी हूँ, आप सब थे एंड मुझे सपोर्ट किया मेरे थिक एंड थिन समय में, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड आई वांट दैट कि आप सब मुझे जैसे प्यार करते हैं और सपोर्ट करते वैसे ही करते रहिए, ये खुशी का आंसू है। एंड बस बहुत खुश हूँ कि इतना सपोर्ट मिला और इतना प्यार करते हैं लोग, और जो पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक इंसान सभी के लिए मतलब सभी को पसंद नहीं आ सकता, किसी में मैं मानती हूँ कि एक इंसान सभी के लिए अच्छा ही नहीं हो सकता है, किसी ना किसी की लाइफ में आपका बुरा चैप्टर रहेगा, आप उनको पसंद नहीं आओगे विदाउट, ऐसा भी होता है कि विदाउट एनी रीज़न भी आप उनकी लाइफ में पसंद नहीं हो, तो ऐसा भी होता है। तो आज के दिन मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी जिन्हें मैंने पहले भी कहा दुख पहुँचाया, और थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड आई लव यू ऑल नो मैटर आप मुझे प्यार करते हो या नहीं। तो अभी केक काटते हैं, चलिए, हैप्पी बर्थडे टू मी। आई वुड प्रे, आई वुड विश कि आप सब मुझे प्यार करें जैसे करते आए हैं, एंड आप सभी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँगी। सबसे पहले तो आप सभी को ये बर्थडे केक, और सेकेंड में मुझे पार्टी करना, पार्टी ये सब मुझे तो पसंद नहीं है, तो मैंने आई गेस आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कब मेरा बर्थडे पार्टी बहुत ग्रैंड वे से या अच्छी तरीके से बनाया हो, मुझे इतना पसंद नहीं है पार्टी करना, पार्टी ये सब करना, लेकिन लास्ट ईयर 2020 से मैं 2020 या 2019 से मैंने अकेला ही आई मीन लाइक केक काटना शुरू किया, बिकॉज यू शुड नॉट वेट फॉर हैप्पीनेस या सरप्राइजेस, यू कैन डू इट योर सेल्फ ना अपने लिए, तो बस उतना है। और कल ये केक दोस्तों को खिलाऊंगी मैं और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ खुशी से रहूँ, और कोशिश करती रहूँगी कि खुशियाँ बांटूँ जितना हो सके, पॉजिटिव बांटूँ, एंड किसी भी जरिए से अगर मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ अपने कैपेसिटी के मुताबिक, तो मैं खुश, मेरा लाइफ उसी में खुशी से होगा। तो अभी तो जस्ट 12 बजे है, तो कल दिन भर क्या होता है वो सब भी दिखाऊंगी। टुडे इज 10 मॉर्निंग, आई एम रेडी, एक्चुअली मैं कहीं नहीं जाने वाली थी, लेकिन अभी काम की वजह से जाना पड़ रहा है, यही है जर्नलिस्ट का लाइफ। और
रात से सबसे पहले, रात में सबसे पहले 12 बजे को मुझे विश किया था अगम ने। उसके बाद में यासुन सोनाम तो घर ही पहुंच गई थी केक लेके, तो या अच्छा लगा। और अभी तक जिन्होंने भी विश किया, थैंक यू सो मच। और अभी दिन भर में क्या होगा कुछ पता नहीं, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट तो है नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो वही है, अभी अपना नॉर्मल ड्यूटी जो सुबह हमेशा रेडी होकर निकलते हैं वैसे ही जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, एंड भगवान को भी प्रार्थना करना था। अगेन सुबह सुबह 9 बजे, तो पहले तो हैप्पी बर्थडे, तो थैंक यू। और सबसे फर्स्ट विश करने वाला भी तुम ही है, चालू से कॉल करके रात को। ये तो मेरा पुराना आदत है अभी। और सबसे लास्ट विश फिर से हम करेगा। तो बर्थडे में भी हम सोचा था लोग बर्थडे में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ का बर्थडे भी दोबारा रोज की तरह तक काम ही चल रहा है, तो कैसा लगा? ये वाला बन गया, ऐसे मैं सोचते हैं। तो ये जर्नलिज्म का लाइफ, अपना बर्थडे वर्थडे, कोई शादी वादी, मार्केटिंग, हैंग आउट, जहाँ हर कुछ में इसका बदले हम लोग यही करते हैं, तो इसलिए अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तब फिर जॉब कर रहे हैं ना, तो आई विश कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो आने वाला समय में भी हम साथ रहे, इसी तरह काम करते हुए आगे बढ़े। बर्थडे के साथ साथ जिस तरह से उम्र जा रहा है, बुढ़ापा तक साथ में काम करे और आगे बढ़े। और आई विश कि आज का बर्थडे से तुम्हारा जितना भी आने वाला समय ब्राइटेस्ट और सक्सेसफुल हैप्पीनेस के साथ हो। चलो आज फिर दोबारा यहाँ से एज यूजुअल मेरा ड्राइवर, और हम इसका को ड्राइवर तो नहीं है, पिलियन बोल देगा अभी के लिए, बाइक नहीं तो अभी पैसेंजर बोल देगा, पायलट सर बोल देगा। तो अभी दोबारा काम खत्म करते हुए नेक्स्ट काम के लिए ईटानगर वापस ना फ्रॉम पप्पू नाला। सो लंच ऐसे कॉन्टिनेंटल में होगा, मेरा जितना भी कजिन्स है एंड देन बहन के साथ हमको प्लस बर्थडे का। मैं ऑलरेडी आ चुकी थी, लाइक जूस मैंने मंगा लिया था, तो अभी मैं पीऊँगी एंड उन लोगों के। अभी यहाँ पे जब तक कज़िन बात है जूस वूस पी के वेट करेगा, उनको भी आई गेस ऑलमोस्ट साल या बहुत महीनों के बाद में मिलेगा, मिलवाती हूँ आप सबको। जगह कहाँ जाएगा अभी? तो ये है केक दीदी ने दिया है, तो ये अंजलि बोले की वो राज, ये भाई, ये चीजों, ये सांगे, ये अमित, अरे हम ऐसे करके आ रहे हैं ना, सब लंबा आ रहे हैं। हम तो लंबा आ रहे हैं, अंजलि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफेद आ रहे हैं। हम पूरा भैया खत्म हो गया, स्टोरेज फुल हो गया, सबसे बड़ा फुल हो गया हमें। सबसे बड़ा कौन होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे छोटा है, देखने को देखने सच क्या है क्या? सबसे छोटा जो रहा नहीं मुझे कभी, तुम जो भी बड़ा है होता है, कोई बात नहीं, हम काट लेंगे। किसी को डालेगा कमान नहीं करता। ये इतना ज्यादा रहता ज्यादा ही थोड़ा खिला दिया। वैसे सबसे बड़ा तो ये है, लेकिन अभी बैंक के हिसाब से ये बड़ा हो गया। सब चलते रहेगा, चलते रहेगा, लेते रहना, जो रुक जाए नहीं देगा, देगा वाइट में रखा है उसको, संजय भाई को दिखला रहे अंधेरा आएगा।
इसमें उठाएगा अभी इसमें कुछ भी दिखे नहीं दे रहा है फेस्टिवल के साथ साथ बर्थडे का भी लंच हो जा रहा है फोटो खींच रहा है नहीं अभी लंच करेंगे थोड़ी देर में अभी चीज़ों के सामने में रख दिया ऐसे 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 जगह नहीं बोला दिन भर का जो जो था वो कर लिया है तो अभी से शाम का डिनर आगम को मम्मी खाने जा रहा है आई मीन लाइक वहाँ पे वो प्रिपेयर कर रहा है तो वहाँ जाएगा इतना कुछ तो नहीं है सेलिब्रेट तो नहीं है लेकिन नहीं नहीं बोल के कजिन्स के साथ में भी खाना खा लिया एंड देन अभी आगम लोगों के साथ जाके खाएगा लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मैं इसीलिए हूँ कि मैंने जो केक काटा था और यासुम ने भी केक लाया था तो मैंने सोचा था कि आज मैं खिलाऊंगी उन लोगों को लेकिन मेरे पास फ्रिज नहीं है तो गर्मी के कारण पूरा जो केक है वो ख़राब हो चुका है तो उसको लेकर मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ बट कोई बात नहीं कभी दिन खिला लूँगी उन लोगों को और अभी चलती हूँ चलिए उसके घर में क्या क्या बनाया देखते हैं एंड वहीं में जाके जो ये व्लॉग है जो काफ़ी लंबा रहेगा वो कम्प्लीट होगा तो चलिए तो अभी हम आगम का घर पहुँच गया और ये आगम ने वो दिया है थोड़ा फिटिंग सिटिंग है लेकिन भी चल जाएगा वेरी क्यूट केयर बियर्स लिखा है तो आगम तो रेडी कर रहा है और यहाँ है यासुम हेलो नमस्ते हैप्पी बर्थडे सगिदी और एक है इधर ये आगम ने बोला है ये है लिता और कितना सुंदर देख रहा है हैप्पी बर्थडे दी गॉड ब्लेस यू सुंदर दिख रहा है चलो केक क्या काटेगा अरे केक केक लेके आया है हम बहुत दुख हो रहा था यार काटने नहीं मिलेगा मतलब हमने खिला नहीं मिलेगा बोल के वाह वाह आप ये बर्थडे में तो हम ज्यादा ही केक केक हो गया रे वाह थैंक यू वाह या ये अगम रेडी कर रहे हैं अगम जितना बोलता है बट्टे में वैसे सेम कर दिए डायरेक्ट नाना मेरा फोन से प्लीज फोटो खींच दो ना वो केक को बेचारा उसी को फोटो को या यम ओके लेता अब नाना फोन से फोटो खींच दो ना मेरा फोन से कहना चाहेगा देखिएगा ठीक है ना किस दिया आया थैंक यू सो मच बहुत खुश लग रहा है मुझे इधर देखिए अच्छा लग रहा है हाँ मेरे को हम देखते हैं किस जगह नहीं दे रहे
थैंक यू। चला 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 क्या यार खाएगा कि काम तो खाने मन हो रहे हैं। तुम यहाँ पे देगा सुन दे रहे हैं ऐसे बात मारते दिन 12 बजे ऐसा हैप्पी बर्थडे
सबसे फर्स्ट विश किया, सेकंड एज ऑलवेज ये तो केक नहीं पहुंच गया है। हां तो नहीं ये तो बस इसलिए हम थोड़ा इसका बाद में आप में मैं आपको नहीं लगता प्लान में गया है एक्चुअली एक्चुअली नहीं करा नहीं करा 12 बजे 12 एक्चुअली 12 बजे हम घर पहुंचे का मौके था ना इसका इतना हम घर में नहीं गए दोस्त घर वाले तो गए विश करने के लिए ये बाइक जाते थे तो थोड़ा लेट हो गई और ये जो नो करेगा सॉरी नो करेगा आप नहीं बोल रहे हो नहीं नहीं बाद में दोनों का आवाज सुनाई दिया हम बात करने और यही है उत्तर इतना खुलना ही नहीं तो कुछ नहीं हम बहुत 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 ज़्यादा ही खुश है एंड लाइफ में पहली बार केक काटा है वो भी चार चार एक ही दिन में अभी ना टेंशन हो गया मत दे तो हमका टेंशन होता है सबको थैंक यू जिन्होंने भी विश किया और उसको नहीं भी पता था फिर भी हर साल बर्थडे में कुछ ना फर्स्ट में ही बोला था रेजोल्यूशन लेता है लेकिन ये साल का रेजोल्यूशन नहीं है बट आई सी डेट कि मैं आदमी को कम दूर पहुँचाऊँ इंसान है गलती होगा लेकिन आई सी डेट कि ऐसा ना हो वो हो गया वो चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है तो सो वापस हम पहुंच गया रूम सभी को थैंक यू सो मच एंड वही कहना चाहूँगी आई एम सो मच टच्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि इतना लोग प्यार करते हैं और जिन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू मुझे विश किया सभी को थैंक यू एंड मैं हमेशा याद रखूंगी आप सबको प्यार को एंड कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छा करूं लाइफ में और जो भी अभी कर रही हूं उसको भी अच्छी तरीके से करूं बस इतना ही है और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूं आप सभी के लिए कि आप सब खुश रहे नो मैटर मुझे पसंद करते हो ना करते हो लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे और हर कोई के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाओगे रहे तो बस इतना तक ही था बहुत मैस्टर वाला व्लॉग रहेगा लाइक इवन दो होप यू ऑल विल लाइक यू नो लाइक इट एंड या कब डालेगा पता नहीं बट जब भी डालेगा प्लीज़ देखिएगा टिल देन बाय बाय खुश रहिएगा।